Hey everyone, welcome back to another interesting video of iPhone Bloke, where we help quality people to pick up quality products. Right, तो भाई आज almost 2 दिन हो गया है और हमारे पास 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और almost 2 महीने की जर्नी हो गई, क्योंकि जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो वो कुछ 17 जुलाई 2020 को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस बीच बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जो कि यू नो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहे। यू नो वीडियो हमने बना दिया, कोई व्यू नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अब करें तो करें क्या, है ना। ऐसे भी सिचुएशन आते रहे कि भाई अब बहुत हो गया यार, अब वीडियो नहीं बनाना। बिकॉज जब आप एक वीडियो बनाते हो तो ऑलमोस्ट यार यू नो 2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं, ठीक है। आपको वीडियो बनाना है, प्रमोट करना है, उस पर व्यूज़ लेके आने हैं, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर आप नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लाखों लोगों से कंपटीशन है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हमने 2 महीना स्पेंड किया और स्पेंड करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, यू नो स्टेप बाय स्टेप, कि भाई आपके व्यूज़ कैसे आएंगे, वीडियोस कैसे बनाने चाहिए, एडिटिंग कैसे होना चाहिए, क्या सही में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब लोग, एक कॉमन इंसान अपना एक इमेज बना सकता है। तो भाई इसका अगर आपको आंसर जानना है तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल। आसान तो बिल्कुल नहीं है, बट उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, है ना। अगर आपने एक दृढ़ निश्चय किया है कि भाई हमें एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, तो भाई 2 चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि यू नो आपको एक लंबी रेस का घोड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये, आपके पास ना उस चीज़ के प्रति, जिसके प्रति भी आपने वीडियो बनाना है, आपको यू नो प्रमोट करना है, आपको बहुत पैशनेट होना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप YouTube का प्लेटफॉर्म देखें तो आज करोड़ों लोग YouTube पे हैं, जो यूट्यूबर्स क्रिएटर्स हैं, और जिन सबको यू नो नाम हासिल करना है, फेम चाहिए, मनी चाहिए, तो भाई हम भी पीछे क्यों रहे, राइट। ये नॉर्मल सी प्रोसेस सबकी होती है, मेरी भी थी जब मैंने स्टार्ट की थी 2 महीना पहले। बट कुछ समय पहले 100 सब्सक्राइबर्स मिले, अभी मिल गए हैं 200। मैं इस वीडियो के जरिए से आपसे वो सब चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो थोड़ा सा हटके है, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि भाई यू नो बहुत सारे वीडियोस जो इस टॉपिक पर ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको मैं वो वाला ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक इंसान खुद से सीखता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो जो सीख होती है वो अद्भुत होती है और बहुत काम की होती है, राइट। तो मैं वही सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जो मैंने खुद से स्ट्रगल किया, यू नो मैंने सीखा, और यू नो आफ्टर अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स आई कैन से आई हैव गॉट यू नो हार्ड अर्न 200 सम चेंज सब्सक्राइबर्स। तो कैसे पाएँ एक यंग यूट्यूबर के लिए इतनी जो छोटी सी 200 सब्सक्राइब की लिस्ट है, हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप हमारे जैसे हैं जो नए हैं इस स्ट्रीम पे, आप कैसे ग्रैब करें। तो कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। बट अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं इसके बाद, इस YouTube वीडियो के बाद, तो शायद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई मैं करता क्या हूँ, मेरा यू नो ओवरऑल वीडियो का क्वालिटी कैसा, प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे। बट मैंने आपके लिए 5 चीज़ें ऐसी निकाल के अपने एक्सपीरियंस से गेन की है और मैं पब्लिश कर रहा हूँ, खासकर आप सब हम जैसे यंग यूट्यूबर्स के लिए, कि जो यू नो यूट्यूब स्टार्ट किए हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, जिसके व्यूज़ नहीं आ रहे, भाई कैसे लाया जाए। तो भाई फंडा नंबर 1, आपको अपना इमेज बनाना है मार्केट में, ठीक है। अब चाहे इमेज आप ले लें आपके पहनावे से, आपके ओवरऑल यू नो फेशियल एक्सप्रेशन से, यू नो आपके बोलने के तरीके से, यू नो हर किसी का ब्रांड इमेज एक अलग होना चाहिए, ठीक है। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, हमें किसी को यू नो एकदम क्या क्या कहते हैं उसको, यू नो एकदम कॉपी पेस्ट और एकदम डिक्टो नहीं बोलना है। हमें खुद की आइडेंटिटी प्रूफ करनी है और उसी से लोग आपको देखेंगे और पसंद करेंगे। YouTube पे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं
जिन्होंने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट किया है, तो चलते नहीं है यार। भले आपको 300, 400, 500 आ जाएंगे, बट जो लंबे रेस का घोड़ा होता है ना, वही होता है जो सही मायने में एक खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करता है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। हालांकि वो प्लेटफॉर्म आज यूट्यूब है, तो कुछ भी रहे आप दिखते कैसे हैं, आपका बोलने का तरीका शायद उतना सोफेस्टिकेटेड ना हो, आप उतने लैंग्वेज में पॉलिश ना हो, लेकिन अगर आपके पास आपका एक खुद का एक्सपीरियंस है, एक खुद का बोलने का तरीका, अगर आप उसी को प्रमोट करें, तो यार कहीं ना कहीं कोने में आपको कोई बंदा ऐसा मिलेगा जो सब्सक्राइब करेगा, आपको देखेगा, क्योंकि आप अलग हैं। आप सबके तरह इकट्ठा एक तरह की बात नहीं करते, आप कुछ हट के बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने देखा हो स्टीव जॉब्स को, कभी आपने सोचा स्टीव जॉब्स ने हमेशा से ब्लैक टी शर्ट और जीन्स क्यों पहनी? कभी आपने इस बात पे गौर फरमाया? शायद से नहीं। भाई एक ही ऑप्शन उसका और एक ही उत्तर है कि भाई स्टीव जॉब्स ने अपनी जो आइडेंटिटी थी वो यूनिक बनाई थी। जब भी एप्पल आईफोन का लॉन्च हो या मैक का प्रेजेंटेशन हो, बंदा आएगा, टी शर्ट पहनेगा, जीन्स पहनेगा और बिंदास बोलेगा, एकदम अपने स्टाइल में। लोगों ने उस इमेज को फॉलो किया, और आप माने ना मानो, आज एक चाहे आप कॉरपोरेट इंडस्ट्री में बोलो, चाहे आप टेलीफोनिक इंडस्ट्री में बोलो, वो इतना इम्पैक्टफुल है कि लोग उस तरह का पहनावा आज करते हैं, क्योंकि सबको अपना एक अलग इमेज बनाना है। तो पहला ट्रिक ये कि आप अपना जो इमेज है उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसे प्रमोट कीजिए, और थोड़ा यूनिक रहिए, लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। ये मेरी आपसे शर्तिया गारंटी है कि भाई सूनर और लेटर लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप में एक अलग सी बात होगी। ठीक है, सो दैट्स टिप नंबर वन। दूसरा, सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक सबके पास है, ट्विटर सबके पास है, इंस्टाग्राम सबके पास है, बट क्या रेडिट सबके पास है? क्या टम्बलर सबके पास है? क्या ट्विच एक सोशल ऐप है, क्या वो सबके पास है? शायद नहीं। तो जो माने जाने प्लेटफॉर्म है वो तो हम सबको पता है यार, क्यों ना हम सोशल मीडिया में एक्सप्लोर करें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए टम्बलर पे कम्युनिटीज़ होती हैं यूट्यूबर्स क्रिएटर की, अगर आप वहाँ अपना कॉन्टैक्ट प्रमोट करें, लोगों से कनेक्ट बनाएं, वहाँ ग्लोबल ऑडियंस मिलेंगे आपको, अमेरिका से मिलेगा, जापानीज मिलेगा, अफ्रीकन मिलेगा, आप उनसे बातचीत करें, आप उनसे सीखें, कोई फेक आइडिया ना अपनाएं, और आप यकीन मानिए आप वहाँ कम से कम 10, 12, 15 आराम से हासिल कर लेंगे सब्सक्राइबर्स, क्योंकि वो सब भी एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं। वो सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो सब समझना कि भाई आप करते क्या हैं। और इसी तरीके से अगर आपने एक रपो बिल्ड कर लिया, तो यार 15-20 तो आपको वहीं मिल जाएंगे। तो रेडिट हो गया, वहाँ कम्युनिटी है, ठीक है, ट्विच हो गया, वो है, मैंने कुछ जॉट डाउन किया है, सो डोंट माइंड इफ आई लुक बैक। आपने गूगल प्लस पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है, इंस्टाग्राम ये तो बड़ा कॉमन चीज़ है, ऑब्वियसली फेसबुक यार सबके पास है। तो ये सब जो प्लेटफॉर्म है, पिन इंटरेस्ट हो गया, तो जितने भी सोशल मीडिया हैं, जो कॉमन सोशल मीडिया हैं, उसके अलावा भी जो अनकॉमन सोशल मीडिया, जो शायद हम लोगों को, भारतीय लोगों को उतना पता नहीं होगा, एक्सप्लोर करो यार, अकाउंट बनाओ, लोगों से मिलो। आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपके काम आएंगी, क्योंकि जब कनेक्शंस बनेंगे, जब लोगों से बातचीत करेंगे, तो लोग आपको पहचानेंगे कि हाँ भाई, यहाँ इस बंदे ने इस चीज़ पे कंटेंट बनाया है, चलो देखे तो सही। यार 100 में से अगर मान लीजिए 10 बंदे आपके अकाउंट पे आ गए, 8 नहीं करेंगे, 2 तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप डिफरेंट है, राइट? आपका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, और कहीं गलती से आपने उनके कंटेंट में बोल दिया, तो भाई ऑल इज़ गुड, है ना? तो सोशल मीडिया इम्पैक्ट, जो हट के सोशल मीडिया है उस पे अकाउंट बनाएं। कॉमन तो सबको आता है यार, फेसबुक मुझे पता है, बट उसके अलावा और ट्रेंडिंग क्या है उस पे आप जाएं, आप देखिए आपके अच्छे खासे प्रमोशन हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स टिप नंबर टू। तीसरा वाला, यार मैं नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत सारा अपना एक अच्छा खासा पेज बनाना है,
बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लिखनी है। हालांकि कंटेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट अब जैसे भी हैं आप स्टार्ट हो जाइए, उसके बाद जो भी बंदा या बंदी आपके फेस को देख के, आपके कंटेंट को देख के, आपके तरीके को देख के आपसे अगर कम्युनिकेट करता है, तो उसको सवालों का जवाब दीजिए। उसको ऐसा एक कनेक्ट बनाए कि अगर बंदे ने आपके साथ सवाल पूछा है, अगर आपको उसका उत्तर पता है, अगर आपको उसने रात के 2 बजे सवाल पूछा है, तो यार रिप्लाई करो, है ना, कनेक्ट करो, बातचीत करो। जब बातचीत करोगे तो प्रमोशन होगा, और जब प्रमोशन होगा तो कहीं ना कहीं लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे भी कि हाँ यार रात के 2 बजे थे, मैंने टेक्स्ट किया, बंदे ने फट से रिप्लाई किया। जो कि इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे यहाँ कस्टमर सर्विस कोई देता नहीं है। अब मान लो आपने एप्पल का आईफोन ख़रीद लिया, वो फेमस क्यों है एप्पल, लोग हर साल एप्पल को अपडेट क्यों करते हैं? दो रीज़न है यार, अनबिलीवेबल कस्टमर सर्विस। जो बंदा एप्पल एक बार ख़रीदता है वो एप्पल का ही हो जाता है। तो भाई हमें ऐसा ही कुछ काम करना है ना, यूट्यूब पे, कि आपने मेरे से सवाल पूछा कि भाई अमित आईफोन में iOS 14 क्या है, ठीक है, साउंड रिकॉग्निशन क्या है, हमें गाड़ी जो लेनी है SUV कौन सी लेनी चाहिए, माइलेज क्या है, उसका ओवरऑल कैपेसिटी क्या है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो जितना भी आपको आता है आप ऑनेस्टली रिप्लाई कीजिए, प्रोएक्टिवली रिप्लाई कीजिए, और हो सके तो प्रूफ के साथ रिप्लाई कीजिए। एक रिलेशन बनाइए यार, अगर रिलेशन बन गया तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई सब्सक्राइब कर लो मुझे यार, वो खुद ही बोलेगा भाई बंदा अच्छा सब्सक्राइब कर लो, है ना। तो रिलेशन वाया रिप्लाई कमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे पास ऐसे अच्छे लोग हैं आज इंस्टाग्राम पे और लेट्स से ट्विटर पे जिनसे मैं बात करता हूँ। मेरे पास जापानीज़ क्लाइंट है, मेरे पास अमेरिकन क्लाइंट है, आई हैव गॉट इवन अ क्लाइंट फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। आई एम श्योर आई हैव गॉट टू लैंग्वेजेस ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो मेरे से जापानीज़ भी बात कर रहा है, इंडियन भी बात कर रहा है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ यार, कोई भी लैंग्वेज में, जो भी उसको फिजिबल हो। तो भाई अपने ऑडियंस को एक ऐसा एक्सपीरियंस दो कि अगर बंदा एक बार आए तो दोबारा जाए ना, ट्रीट योर सब्सक्राइबर्स एज इफ देयर इज नो टुमारो फॉर यू, राइट। आज ही करना है, प्रोएक्टिवली करना है, एक स्टेप उनको अच्छा सर्विस देना है, ठीक है, उस हिसाब से करो। हाँ, हम सब लोग YouTube करते हैं यार, टाइम पास के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, फेमस के लिए करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, राइट, मेरा भी मोटो है। लेकिन अगर करते हो ना, अगर टाइम स्पेंड करना है तो कुछ ऐसा करो कि लोग पहचाने आपको, है ना। कब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट करो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, मेरा वीडियो देख लो, भाई कोई नहीं देखने वाला, सिंपल सी बात, लोग लाइक करेंगे, छोड़ के निकल जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर रिलेशन बनाओगे, लोगों को रिप्लाई करोगे, आप जीतोगे, सूनर और लेटर पीपल विल कम बैक एंड टॉक टू यू। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे यार, लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, ये करो वो करो, ये वेबसाइट लगा लो, वहाँ बढ़ा लो, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता है। जब तक आप फेमस ना हो, जब तक आपके पास ऑडियंस ना हो, जब तक आप बहुत बड़े स्टार ना हो, कोई सब्सक्राइब नहीं करने वाला। कब करेंगे? जब रिलेशंस बनेंगे। कब करेंगे? जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। कब करेंगे? जब आप रेगुलर अपडेट्स देंगे, तो ही लोग सब्सक्राइब करेंगे। अभी आप मुझे बात बताओ, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो और जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों के बंदा बकवास कर रहा है, कुछ काम की नहीं, आप दोबारा आओगे? बिल्कुल ही नहीं आओगे। तो जो भी आप काम करते हो, आप मेक श्योर करो कि आप उस एक लगन के साथ करते हो और आप एक दृढ़ निश्चय के साथ, यकीन मानिए आपको काफ़ी कुछ सक्सेस मिल जाएंगे। सब्सक्राइबर्स तो मिलना ही है यार, आज नहीं तो कल मिलना ही है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट मत होना इनिशियली, बट मिलना ही है। तो भाई ये रहा हमारा पॉइंट नंबर 3, रिप्लाई एवरी सिंगल कमेंट। चौथा, अभी बहुत से लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि भाई यूट्यूब पे आते हो तो पैशन के लिए आओ, यूट्यूब पे आते हो तो भाई पैसे के लिए मत आओ। छोड़ो यार, मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मेरा ये फुल टाइम जॉब नहीं है यूट्यूब का, ठीक है, लेकिन मैंने भी लोगों की यूट्यूब के चैनल्स देखे हैं, लोग बड़े फेमस हो गए हैं यार, ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पे फेमस हो गए जिनको कुछ
मैंने कहा बोलने का तरीका भी नहीं आता है, अल्फाज ही नहीं है, यू नो एक मैनर्स ही नहीं है, कोई गाली दे रहा है, कोई बकवास कर रहा है, लोग फॉलो करते हैं यार। हम और आप अगर एक अच्छा कंटेंट के साथ एक तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना, तो एक नहीं पचासों लोग हमें आके फॉलो करेंगे। तो भाई अगर आप ये बोलते कि भाई मैं खाली यू नो नाम के लिए चला रहा हूँ, मेरा खाली पैशन ही है, पैसे आए चाहे ना आए, ऐसा नहीं होता बॉस। पैसा मेरे हिसाब से प्लानट अर्थ पे सबसे बड़ा मोटिवेटर है। आपको क्या लगता है, मैं यूट्यूब आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? ऑफकोर्स मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को स्क्रीन पे देखना, मुझे लोग देखें मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लोग पहचानते हैं आज, मुझे अच्छा लगता है। बट बॉस समवेयर डाउन द लाइन यू नो विटामिन एम, आई कॉल इट एज विटामिन एम, इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑन प्लैनेट अर्थ। पैसा है तो सब कुछ है यार, पैसा है तो मेरे पास एक कल DSLR कैमरा आ जाएगा, है ना, एक स्टूडियो सेटअप हो जाएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें। ये ना बोले कि मैं खाली पैशन के लिए कर रहा हूँ, यार करते हो तो ऐसा करो कि देयर इज़ नो टुमॉरो फॉर यू, भिड़ जाओ मिल जाएगा। ओके आखिरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, वो है कीवर्ड्स और टैग्स। तो भाई आप कोई भी वीडियो बनाते, मान लीजिए आपने ये वीडियो बनाया जो मेरे वीडियो का नाम है कि भाई सब्सक्राइबर्स कैसे हासिल करें, खासकर पहले 200 सब्सक्राइबर्स, तो खाली टैग लिखने से, टाइटल टाइटल लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में अपने जो कंटेंट दिया है टाइटल, उसके 2-3 वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, सर्च बॉक्स में ऐसे ऐसे सर्च करने पड़ेंगे इस वीडियो के लेके कि भाई हाउ टू गेन फर्स्ट 200 सब्सक्राइबर्स, सब्स 200, और फॉर एग्जांपल ले लीजिए #टैग सब्सक्राइबर्स, ऐसे कुछ। ऐसे मैं करता हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं समझता कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई एम द किंग, बट यार सक्सेस मिली है, भले 200 ही क्यों ना हो। 17th of July 2020 को मैंने चैनल चालू किया और आज है ऑलमोस्ट यू नो 28 सितंबर जब मैंने ये वीडियो बनाया, और यार 2 महीने में 200 सब्सक्राइबर्स प्लस, अच्छा है यार। मैं दोनों भाषा में बात करता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, इंग्लिश में बात करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे रीच रहे वो एक ग्लोबल स्टेज पे रहे। तो अगर आपने यहाँ सक्सेस पाना है और एक सही मायने से ऊपर जाना है लाइफ में, और ये मैं जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से जाएं और कहें भाई हमें सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं यार जहाँ अगर आप जाके अपना लिंक डाल दो आप स्पैम कर सकते हो, कोई ना कोई पकड़ लेगा, मज़ा नहीं आएगा, सब्सक्राइब करेगा बट देखेगा नहीं, वॉच टाइम नहीं आएगा, तो वो काम करना ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद मैं आप लोगों से ये सब चीज़ें शेयर करूँ जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी बहुत गलतियाँ की यार, अगर आप मेरा पूरा वीडियो लिस्ट देख लो तो मेरे कम से कम 5-6 वीडियोज़ जो ऑलमोस्ट 3000 व्यूज़ रीच कर रही हैं फ़िलहाल। बाकी मैं भी कोई यू नो हाई फाई यूट्यूबर फ़िलहाल बना नहीं हूँ, बट बॉस उम्मीद बहुत तगड़ी है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, पीपल आर कनेक्टिंग मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, एंड दैट मोटिवेट्स मी। शायद यू नो ये चीज़ आपके साथ भी हो जाए, आप भी मोटिवेट हो जाएं, और यू नो कुछ समय बाद शायद यू नो हम फिर से मिलें एक बड़े नाम के साथ और बड़े ही अच्छे यू नो नेम फेम सोशल स्टेटस के साथ। तो भाई इसके साथ इस वीडियो से मैं आप सबसे अलविदा चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है 4-5 जो मैंने आपसे टिप्स शेयर किए, ये मैंने इन्हें कोई वीडियो देख के नहीं किए, ये मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने सिखाया है, क्योंकि मैं खुद थक गया था यार लोगों से बोलने की भाई मुझे सब्सक्राइब कर लो, नहीं करना यार, नहीं मांगना, अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ मेहनत से आपको मिलती है ना, सॉलिड है बॉस, कभी रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। तो बहुत हुआ लेक्चर आज का यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बारे में, उम्मीद है जिस लोगों ने मुझे सुना है शायद मैं कुछ उनके क्वेरीज को सेटिस्फाई कर पाया हूँ, अगर वो उनके सवाल हैं, और देखिए आजमाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली यू नो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, हमें
वापस बताइए कि हमने क्या गलतियाँ की, क्या गलतियाँ नहीं की, मुझे सीखने में कोई बुराई नहीं। और यार मेरे सबके साथ एक बहुत अच्छी भावना कि आप सब ग्रो करें, अच्छे मुकाम पे जाएं, और जो भी आपके लाइफ में एम्बिशंस और ड्रीम्स हो वो आप सबको भगवान दे। वेल विद दिस नोट आई वॉन्ट टू साइन ऑफ एंड नॉट बिफोर आई से थैंक्स फॉर वॉचिंग।